उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में छात्र द्वारा पूर्व राज्य मंत्री एसएल लो कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ छात्र के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर आज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए लक्ष्मीकांत का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत, क्या है ये पूरा मामला? लड़की ने किसके खिलाफ और क्या आरोप लगाए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, पूरा मामला एसएस कॉलेज के प्रबंधक स्वामी चिन्नानंद से संबंधित है, जिसमें उन्हीं के कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली महिला की एक लड़की ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। 22 तारीख को ये आरोप लगा था और इस मामले में लड़की के पिता ने कई अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इस मामले में उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। वहीं स्वामी चिन्मयानंद की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज करी गई, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि लड़की वालों की तरफ से उनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। लक्ष्मीकांत, लड़की कहाँ की थी और कहाँ रह रही है? जी, लड़की मोहल्ला रंगमैला थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली थी और वो एसएस कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। लक्ष्मीकांत, इस बारे में कॉलेज के प्रबंधक और पुलिस प्रशासन से अगर आपकी बात हुई हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए? जी, इस बारे में स्कूल के प्रबंधक से तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन शासन के अधिकारी वगैरह जब यहाँ कई चैनलों वाले यहाँ आए, कई लोग यहाँ आए, तो उनके दबाव में और मुख्यमंत्री का ओर से भी एक फैक्स डीजीपी को किया गया था कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। तो कल रात 9 बजे एसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, इस मामले में लड़की वालों की ओर से अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाला ये सवाल आता है कि 22 तारीख को लड़की का वीडियो फेसबुक पे वायरल हुआ था और 24 तारीख को लड़की के पिता ने थाना कोतवाली में गुहार लगाई, एसपी से गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और 26 तारीख को स्कूल के प्रबंधक की ओर से एक मुकदमा अपहरण का मुकदमा 5 करोड़ रुपए फिरौती का मामला दर्ज हो गया, लेकिन लड़की के बाप का मुकदमा जो है 26 तारीख के बाद में दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और इसमें जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं। शुक्रिया लक्ष्मीकांत, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मऊ जिला अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाए जाने की योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ सबको मिलना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राशिद हुसैन का रुख करते हैं राशिद, जिला अधिकारी ने मीटिंग में क्या कुछ कहा, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, शहरों एवं गांव के गर्भवती महिला और एवं कुपोषण बच्चों को चिन्हित कर उन्हें कुपोषित की जाए की पूरी जानकारी। राशिद जिला अधिकारी ने स्वच्छता को लेकर क्या कहा, इस पर क्या कहेंगे? सर, उन्होंने कहा कि बताया गया, उनके द्वारा बताया गया है कि कुपोषण को दूर करने के लिए जरूरी नहीं कि कुपोषित बच्चों का गर्भवती महिलाओं को काजू बादाम या अनार ही दिया जाए। राशिद, अगर आपकी वहाँ लोगों से बात हुई हो तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी सर, जनता जो है बहुत ही मतलब इसको गंभीरता से ली और वहाँ पे जहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा भी अलग अलग पकवान का जो प्रायोजन किया गया वहाँ पे मूल्यांकन जिलाधिकारी के द्वारा किया गया, तो काफी उत्साह देखने को पाया गया वहाँ पे और जनता जो है इससे संकल्प भी लिया कि हमें जागरूकता के प्रति जो है कि मतलब हमको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ही हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। जी, शुक्रिया राशि तमाम जानकारी साझा करने के लिए।